दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत धारचूला में वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ब्लॉक सभागार धारचूला में चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गोविंद पिलखवाल ने धारचूला तहसील के 9 समूहों के 197 कृषकों को 1,63,00,000 राशि के ऋण का चेक वितरण किया। जो धारचूला विकास खंड में सहकारिता बैंक के माध्यम से 197 लोगों को 1,63,00,000 का ऋण जो बिना ब्याज का दिया जा रहा है और इसमें 3 लोगों को जो है 3,00,000 के भी ऋण दिए जा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पूरे उत्तराखंड में 95 ब्लॉक और 5 अन्य स्थानों में लगभग 100 स्थानों पर 25,000 लोगों को ऋण देने का काम करने जा रही है और हमारा सरकार का उद्देश्य कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करनी। देखिए, मुझे बुलाया था विशिष्ट अतिथि के तौर पे, तो भाई अपना भी एक आत्मसम्मान होता है। मैं जनता से चुनाव प्रतिनिधि हूँ और नॉमिनेट व्यक्ति अगर मेरे से ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में रहेगा तो वहाँ पर कतई जो है मेरा प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, धारचूला।